मारना, मारने के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, सुसाइड, ओके, होमिसाइड। देखिए सुसाइड मतलब क्या, आप साइड में जाके सुसाइड कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सुसाइड। सुसाइड बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। सो सुसाइड मतलब आपने खुद की हत्या कर ली, खुद को मार लिया, कभी मत करना। दूसरा हम बात करते हैं किलिंग। किलिंग मतलब होता है कि आपने किसी को जाके मार दिया, वो होता है किलिंग, ठीक है। उसके बाद जब कभी पुलिस ऑफिस, पुलिस स्टेशन में किसी को मार दिया जाता है जबकि वो अपराध है, तो क्योंकि वो एक जुडिशरी के अंदर पुलिस आती है, इसीलिए उसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ठीक है। जैसे विकास दुबे की होगी, कानपुर वाले भैया हमारे, तो वो क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब कि आपने जुडिशरी से बाहर जाके, यानी कि जज का जो क्राइटेरिया है वहां से बाहर जाके किसी को मारा, दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। सिर्फ किलिंग मतलब नॉर्मल किलिंग हो गई, आपने अपनी हत्या कर ली, सुसाइड हो गया। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक हत्या, ठीक है। अगर आप राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको कहते हैं असैसिनेशन। असैसिनेशन, असैसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक हत्या, जैसे राजीव गांधी की कर दी गई थी, इंदिरा गांधी की कर दी गई थी, ठीक है। सो राजनीतिक हत्या उसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने किसी का मर्डर कर दिया तो वो मर्डर हो गया, ठीक है। फिर अगर पब्लिक, अगर आप बाइक लेके जा रहे हो और आपने किसी को उड़ा दिया बाइक से, और उस टाइम में पब्लिक ने आपको कूट कूट के बिल्कुल भरता बना दिया आपका, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं कि पब्लिक के द्वारा अगर जब हम लोग कोई पीट पीट के मार देते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेसिकली मॉब लिंचिंग, ठीक है। मॉब लिंचिंग मतलब कि बेसिकली पब्लिक ने पीट पीट के मार डाला, और वो जो कोर्ट होता है उस कोर्ट को कहते हैं कंगारू कोर्ट। क्या कहते हैं, कंगारू कोर्ट। पब्लिक का भी कोर्ट हो गया, पब्लिक ने चार लोगों ने कहा नहीं, मारो उसको, मारो मारो मारो, तो वो कोर्ट को कहते हैं कंगारू कोर्ट, ठीक है। और उनके द्वारा जो दिया गया जो जस्टिस होता है कि नहीं, निर्णय आया कि इसको कूट कूट के मार देना है, तो उस जस्टिस को कहते हैं समरी जस्टिस। समरी जस्टिस क्यों कहते हैं, क्योंकि समरी का मतलब क्या होता है कि आपने तुरंत जल्दी से निकाल दिया, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, वो जज के सामने केस नहीं गया, पब्लिक ने ही डिसाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द समरी जस्टिस, ओके। सो समरी जस्टिस किसने लिया, लोगों ने लिया, और जो लोगों ने लिया वो कोर्ट है उस समय पे, उसे क्या कहते हैं, कंगारू कोर्ट, ठीक है। और किसी को पीट पीट कर मार डालना उसको कहते हैं लिंचिंग, किसी को पीट पीट कर मार डालने को कहते हैं लिंचिंग। लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे तो वो मॉब था, तो मॉब लिंचिंग हो गया, ठीक है। ध्यान रखना मॉब और क्राउड में डिफरेंस होता है। मॉब क्या होता है बेसिकली, मॉब का मतलब भीड़, और क्राउड का मतलब होता है कि उग्र भीड़, जब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है, ठीक है। सो ये मारने के कई तरीके हैं, पर प्लीज किसी को मारना नहीं, ठीक है। थैंक यू।